वेलकम टू रोमिंग रोवर्स। वीकेंड आ गया है। कर्नाटका वेदर डिपार्टमेंट का फोरकास्ट है कि आज फुल डे रेन है, तो क्यों ना एक लॉन्ग ड्राइव पे चले, ट्रैफिक ना मिले और हम नेचर का मजा उठा सके। सो हमने सोचा मलप्पा कोंडा से सुंदर जगह नहीं हो सकती। मलप्पा कोंडा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। बेंगलुरु से कोलार और बंगारपेट होते हुए 100 किलोमीटर की दूरी पर यह है। यहाँ हिल टॉप पर मलेश्वर स्वामी शिवा टेम्पल है और लगभग 500 मीटर की ट्रैक पर शिवलिंग स्ट्रक्चर है, जहां से वादियों का नजारा देखने लायक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए चलते हैं हम इस रोमांचक सी जर्नी पर। ऑन द वे टू कोलार बहुत सुंदर सी लेक दिखी, यहां हमने फोटो शूट की। रास्ते भर काफी ग्रीनरी है जहां रुका जा सकता है। हम कर्नाटका से आंध्र प्रदेश बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। चार किलोमीटर की हेयरपिन कर्व है और जैसे जैसे ऊपर चले ऑसम सा व्यू है। यहां बिल्कुल क्राउड नहीं है, बट हां कोई कमर्शियल शॉप या होटल भी नहीं है, तो अपना खाना लेकर आए। हम मलप्पा कोंडा पहुंच चुके हैं और जैसा कि वेदर फोरकास्ट था, पूरा बादलों से घिरा हुआ है। तो चलिए हम पहले मलेश्वर स्वामी शिवा टेम्पल के दर्शन कर लें। यहीं से छोटी सी ट्रेकिंग शुरू होती है, जो ऊपर बने शिवलिंग आर्किटेक्चर तक पहुंचती है। हवा काफी तेज है तो छाता बंद करना होगा। हम उड़ते हुए बादलों के ऊपर आ चुके हैं। ट्रैक इजी है और सीधा सा ही रास्ता है, पर बारिश की वजह से थोड़ी स्लिपरी हो रखी है। ऊपर पहुंचते ही हमें बड़ा सा शिवलिंग दिखने लगा है। एक और शिवलिंग है जहां गांव के लोग अपने मन्नतें मांगते हैं।
इस पवित्र स्थान पर बैठकर हमने 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप किया। अब हम ट्रैकिंग करके वापस जा रहे हैं। बारिश का मौसम है और हमने भी सोचा क्यों ना पकौड़ी और चाय का आनंद लिया जाए। मलेश्वर स्वामी का नया शिवा टेंपल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जल्द ही यह तैयार हो जाएगा और हो सकता है यह प्लेस काफी क्राउडेड हो जाए। चलिए अब हम वापस चलने की तैयारी करते हैं, करवी रोड्स और ऑसम लोकेशन का नजारा लिया जाए। हम आपसे विदा लेते हैं और आपसे मिलेंगे ऐसे ही रोमांचक नेक्स्ट ब्लॉग में।